जब से महागठबंधन की सरकार बनी है, कानून के राज को खुलेआम चुनौती दे रहे हैं अपराधी। अपराधी पुलिस प्रशासन पर भारी पड़ते दिख रहे हैं, जहां किसी भी घटना को अंजाम देकर बड़े आराम से निकल जा रहे हैं अपराधी। वहीं पुलिस प्रशासन हाथ पे हाथ धरे रह जाती है। वहीं फिर आपराधिक प्रशासन को चुनौती देकर महाराजगंज क्षेत्र में लगभग 4 लाख की चोरी की घटना को अंजाम देकर खुली चुनौती तक दे डाली है। घटना महाराजगंज के जिगरवाहा का बताया जा रहा है, जहां आरोपियों ने सीमेंट छड़ की दुकान जय शिव इंटरप्राइजेस दुकान में चोरी की घटना को अंजाम दिया। अपराधी छत तोड़कर घुसकर लगभग 4 लाख की संपत्ति चोरी कर घटना को अंजाम देकर पुलिस प्रशासन को चुनौती तक दी। जय शिव इंटरप्राइजेस में चोरी की घटना के बाद क्षेत्र के लोग दहशत में आ गए हैं। वहीं इस चोरी की घटना के बाद पुलिस प्रशासन पर बहुत बड़ी गंभीर आरोप लग रहे हैं। यहां तक पुलिस और चोरी की सांठगांठ का गंभीर आरोप तक लगाया जा रहा है। आपके दुकान में रात को चोरी हुआ है, लॉकर तोड़ के, क्या कहना चाहेंगे? अब देखिए, रात में हम लोग तो शाम को दुकान बंद करके चले जाते हैं, उसके बाद हम 10 बजे करीब में भी आए थे तो सब ठीक था। हमको लगता है कि 12 बजे के बाद में चोरी हुआ है। सिर्फ चोरी ही नहीं हुआ है, ये मतलब हमको तबाह करने के लिए सामान तो गया है। आप देख सकते हैं पूरा ऊपर का करकट को है जो तोड़ दिया गया है, हमारे ऑफिस का लॉकर को तोड़ दिया गया है। उसमें प्रिंटिंग मशीन था, लैपटॉप था, 44,000 रुपया कैश था, 2.5 टन रड था, केमिकल था ढलाई वाला, सब निकाल के लेके चला गया है। चोरी करने में कितना समय लगा होगा? देखिए, अब तोड़ने के लिए हथौड़ा से अगर तोड़ना है तो आधे घंटे में पूरा तोड़ दिया होगा। प्रशासन की गाड़ी तो हमेशा जाती रहती है? नहीं, कल रात में प्रशासन की गाड़ी इधर एक्चुअली आई नहीं है, और प्रशासन अगर आती भी है तो वो लोग डायरेक्ट जाते हैं आते हैं। और अभी हमको 1 घंटे से ज्यादा हो गया है प्रशासन को फोन किए हुए, लेकिन अभी तक कोई आदमी नहीं आया कि हाँ क्या हुआ है नहीं हुआ है देखने के लिए। प्रशासन से मांग आपकी क्या है? प्रशासन से हमारी मांग यही है कि माने हमको इंसाफ मिले, जो गलत हो रहा है, जो माने अपने हक का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं उसका इस्तेमाल करना बंद हो। हर कोई को जीने का अधिकार है, हर कोई को संविधान में अधिकार है। कौन से ऐसे लोग हैं जो इस घटना को अंजाम दिया है? और देखिए, हम तो बोल रहे हैं कि भोली पास ही है, वो हमको पहले भी बोला था कि पूरा उजाड़ देंगे, बर्बाद कर देंगे, और बोला था कि SC ST एक्ट में ऐसा फंसाएंगे कि एकदम जिंदगी भर याद रखोगे, और पुलिस हमारा कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि वो पुलिस का मतलब डेली जाता है थाना में। अगर हमारे बातों पे आपको विश्वास नहीं है तो आप थाना का CCTV कैमरा को निकाल के देखिए कि वो डेली थाना में बंदा जाता है कि नहीं जाता है, और क्या करता है, उसका थाना से मतलब क्या संबंध है, उसका महाराजगंज पुलिस स्टेशन से क्या संबंध है। वो राजकुमार के पास डेली जाके बैठता है। आप हमारे बातों पर यकीन मत करिए, आप CCTV कैमरा निकाल के देखिए, हर CCTV कैमरा में तो रिकॉर्ड होता है ना, तो डेली का उसमें रिकॉर्ड निकलेगा। ऐसा एक दिन भी खाली नहीं जाएगा कि वो बंदा उस CCTV कैमरा में थाने में नहीं दिखेगा। डेली वो जाता है, लोगों का इस पे केस करवा के उससे पैसा लेके थाना में दिलवाता है, यही सब उसका काम है। विवाद किस बात को लेकर हुआ? नहीं, अभी विवाद कुछ बात नहीं हुआ था, पहले का कुछ विवाद ऐसे ही करता है। उसके बाद मान के चलिए कि उसके पास सबसे बड़ा एक्ट है SC ST एक्ट, ठीक है, उसी का धमकी देता है। प्रशासन के दम पर बोलता है आना जाना? हाँ, प्रशासन पर नहीं, एकदम 100% उसका प्रशासन के पास आना जाना है। डेली वो थाना में जाता है, कब नहीं जाता है। आप देखिए, अगर हमारे बात पे आप विश्वास मत करिए, आप थाना का CCTV कैमरा निकालिए, ठीक है, और CCTV कैमरा में आप देखिए कि वो आदमी डेली थाना में आता है कि नहीं। आखिर एक आम आदमी का डेली थाना में क्या जरूरत है, आप बताइए, कोई जरूरत है डेली थाना में? आपके दुकान में रात को चोरों द्वारा आतंक मचाया गया है, क्या क्या सामान चोरी हुआ? हमारे यहाँ से रॉड, ऑफिस में लैपटॉप था, प्रिंटर मशीन था, और ढलाई करने के लिए जो केमिकल होता है वो था, कुछ किल भी था, वो सब चोरी हुआ है। कुछ गला में पैसा था, कैश था, 44,000 जी, वो सब चोरी हुआ है। कौन इस घटना को अंजाम दिया? इस घटना को अंजाम अकिल टोला के भूली पासी है, वही दिए हैं। कब की घटना यह है? ये आज रात 12 बजे के आसपास की है। अच्छा, प्रशासन को जानकारी दी है? प्रशासन को भी जानकारी दी, 1 घंटा हो गया, लेकिन यहाँ पे अभी तक कोई भी प्रशासन नहीं पहुँची हुई है। आखिर क्यों नहीं प्रशासन पहुँची? अब प्रशासन को तो हमें 1 घंटा खबर दिए हुए हो गया, लेकिन अब देखिए अभी तक कोई भी प्रशासन यहाँ पे नहीं पहुँचा जाँच पड़ताल करने के लिए। जो घटना को अंजाम दिए हैं उनको प्रशासन पकड़ी है अभी? नहीं, अभी तक तो कोई इस पे प्रशासन एक्शन नहीं लिया, किसी प्रकार की एक्शन अभी नहीं लिया गया है प्रशासन द्वारा।
उनका राजकुमार जी थाना पे हैं, उनके पास हर दम आना जाना रहता है, इसीलिए अभी तक वो पदाधिकारी लोग से मिले हुए हैं थाना पे, इसीलिए अभी तक उन पे कोई भी कार्रवाई नहीं हुआ है, अभी तक पुलिस प्रशासन नहीं आई है क्योंकि उनका पहुंच है थाना में, इसीलिए अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ उनपे। अगर आपको न्याय नहीं प्रशासन महाराजगंज के दिलापतिया क्या करेंगे? अगर हमें थाना से अगर न्याय नहीं मिलता है तो हम बड़े पदाधिकारी के पास जाएंगे, एसपी के पास जाएंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, हमें इंसाफ चाहिए। अपने परिचय बता दीजिए। मेरा नाम विशाल कुमार, ग्राम जिग्रहवा।